हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का लिट्टी, छान कर, आग पर का नहीं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं पहले आटा गूंथने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आटा ले लिया है। ये जो काला काला देख रहे हैं, ये के कलौंजी है या मंगरेल भी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैंने ये रिफाइंड तेल डाल लिया है, हल्का सा नमक मैंने डाल लिया क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना है तो एक हाथ से डालने में दिक्कत होता है, तो पहले से ही मैंने डाल लिया है। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, ये रिफाइंड है, ये काला काला जो दिख रहा है कलौंजी है। थोड़ा सा इतना मतलब कि हल्का, आप लोग चाहे तो डालेंगे या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालते हैं। इसे स्वाद जो है बहुत ही अलग दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं तब तक इसको गूंथ लेती हूँ। तो हेलो दोस्तों, देखिए मैंने ये आटा को गूंथ लिया है, कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसको रख दिए हैं, अब ये मुलायम होते जाएगा और तब तक हम ये सत्तू बना लेते हैं। तो सत्तू बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्याज काट लिया है, ये कलौंजी है, ये अजवाइन है, ये मरचा और लहसुन मैंने दोनों एक ही में मिक्स करके काट लिया है। और ये रहा मेरा सत्तू। और सत्तू में हम क्या करेंगे, ये नींबू हम नहीं डालेंगे, ये मसाला जो अचार होता है, अचार का मसाला वाला ही, मतलब मसाला तेल अचार में कहीं लिया है उसी से मैं इसको इसमें मिक्स कर लेंगे सब डाल करके। तो देखिए मैं इसमें सब डाल लेती हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। मैं डालकर दिखाती हूँ आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने ये सत्तू को तैयार कर लिया है। देखिए मेरे बच्चे हैं, रोती है, क्या करें, सब कुछ देख देख कर हम बनाते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे हम भरते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिए, भर कर छान कर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आटा का लोई बना बना करके और हाँ इस तरह से सत्तू को इसमें हम भर लेंगे। तो देखिए मैंने बना लिया है लोई और इस तरह से करके को हम इसमें भर लेंगे। भरने में ही टाइम लेता है दोस्तों, छानने में तो उतना टाइम नहीं लगता है, बस भरा रहेगा। मेरी मम्मी ही बनाती थी, सब बताती थी, मम्मी मेरी इस दुनिया में अब नहीं रही, शादी हम लोग का भी हो गया है तो बनाना पड़ता है दोस्तों सब कुछ, नहीं तो हम लोग खाना उतना नहीं बनाए थे, लेकिन मम्मी बताई थी कि ऐसे ऐसे बनता है, देखे हैं हम लोग। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी थी, क्या करें, इस दुनिया में नहीं रही। देखिए हम इस तरह से, हमको ऐसे ही हम भरते हैं, तो इस तरह से करके हम सारे मतलब लिट्टी बनाए, मतलब गोल गोल करके सब आटा को बना लेंगे इसे। देखिए दोस्तों, मैंने इतना भर लिया है सत्तू को और इतना ये सत्तू है, ये आटा है, तो मैंने सोचा कि इतना भर लेते, इसको छानते भी रहे और हम भरते भी रहेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई भी रख लिया है, उसमें तेल गर्म होने के लिए डाल लिया है। तो गर्म होगा तो हम आपको छान कर दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम छानने के लिए लिट्टी को डालेंगे। बारी बारी करके हम इसमें डालेंगे। ये दोस्तों लिट्टी को हमने डाल लिया है, अब इसको हम चला चला कर बीच में देखते रहेंगे, जब पक जाएगा तो निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से कर लिया है, स्लो फ्लेम पे इसको बनाना है, एकदम सिम आंच पे पकाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया, अब हम इसको इसमें से निकाल देंगे। देखिए पक गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा लिट्टी छनकर कुछ इस तरह से हो गया है,
और ये मैंने ये टमाटर को भी पका लिया है, तो इसका मैं चटनी तैयार करके मैं दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों मेरा सब कुछ बनकर तैयार हो गया है। मैंने ये चटनी भी तैयार की है टमाटर को पकाकर, और उसमें हरा धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, मिर्चा, नमक डालकर मैंने ये चटनी भी टमाटर का तैयार कर लिया है। और ये मेरा लिट्टी है सत्तू का। तो आप लोग बताइएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। और मैं अब क्या ही कहूँ, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।